नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में। यह चैनल एग्रीकल्चर PGT व एग्रीकल्चर TGT 2022 का जो भी एग्रीकल्चर कंटेंट है प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन। आइए चलते हैं, आज का टॉपिक हमारा कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? इंडो बर्मा। और इसका जो बोटनिकल नेम है ये है सकेरम ऑफिसिनेरम। इसकी फैमिली क्या है? ये ग्रेमी कुल का है, पोएसी है। इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये 80 है। इसको क्या कहते हैं? नोबल कैन कहते हैं। सकेरम ऑफिसिनेरम आल्सो नोन एज नोबल कैन या ट्रॉपिकल कैन, मतलब उष्णकटिबंधीय एरिया में उगाया जाता है। ट्रॉपिकल है मतलब कि इस उष्णकटिबंधीय एरिया में उगाया जाता है। इंडिया का जो सेकंड पोजीशन है एरिया और प्रोडक्शन में, इंडिया का कौन सा स्थान है? सेकंड है, और ब्राज़ील का फर्स्ट है। इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? इसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड जलवायु होनी चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर, जो परमानेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए 28 से 32 सेंटीग्रेड। इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.5। इसके कल्टीवेशन के लिए, अच्छी उत्पादन के लिए 6.5 से 7.5 इसका होना चाहिए, पीएच मान होना चाहिए। एरिया एंड प्रोडक्शन लीडिंग स्टेट इन इंडिया यूपी है। यूपी मतलब कि जो प्रोडक्शन है फर्स्ट पे है, लीडिंग स्टेट है। और इसकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, तमिलनाडु की है। और एक ऐसा प्लांट है, ये सी फोर प्लांट है। और इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? एरोइंग बोलते हैं। इसका जो ब्रेक्स रेशियो है ये 16 से 18 है। और इसको जो मापा किससे जाएगा वो है रिफ्रैक्टोमीटर से। इसका जो विक्स रेशियो इसको मापा जाएगा वो है रिफ्रैक्टोमीटर से। ये है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, मतलब कि वह अवस्था जिस अवस्था में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब पानी की खाद को या देख रेख की हो। वो गन्ना पे क्या है? फार्मेटिव स्टेज। गन्ने की क्रिटिकल स्टेज क्या है? फार्मेटिव स्टेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। कैसी क्रॉप है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश। हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है ये। यूपी अबाउट 45% टोटल प्रोडक्शन। And 58% total area of India। 25% इसका प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, यूपी का केवल। और ये है इसका।
स्टार्टेड AICR AICPR शुगर कैन स्टार्ट का हुआ था 1970 से 1971। एक कैसे सवाल के प्रति सेंसिटिव होती है, या अनफिट लिख सकते हो, अनफिट फॉर सैलाइन सॉइल। सो शुगर कॉइन है ये, क्या अनफिट है सैलाइन सॉइल के प्रति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है, यूपी का 45% टोटल प्रोडक्शन है और इसका 58% ये एरिया कवर करता है इंडिया के अंदर। और ICRP शुगर कैन वाज स्टार्टेड 1970 से 1971 और ये अनफिट है। अनफिट क्या है, सैलाइन सोल जीरो टीलेज इज मोस्टली प्रैक्टिस शुगर कैन की आ जाएगा इस पर प्लांटिंग रीजन सीजन, ये क्या हो गया मंथ हो गया, ड्यूरेशन स्प्रिंग प्लांटिंग क्या है, ये कहाँ के लिए है, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया 12 मंथ, ये 12 मंथ के लिए है। अगला क्या है, ये सितंबर से क्या होगी अक्टूबर पे होगी, ये भी नॉर्थ इंडिया होगा, इसके लिए भी मंथ 12 मंथ रहेगा। अदसाली अदसाली प्लांटिंग जुलाई ये कहाँ रहेगा, साउथ इंडिया और क्या 18 मंथ। और ये 18 मंथ ये इसका जो प्लांटिंग का रीजन है टाइम है। अपर पार्ट ऑफ कैन 1/3 फॉर प्लांटिंग, अब सर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सर ट्रीटमेंट अब सेट को ट्रीटमेंट बोने के लिए सीट को जो है कैन है टुकड़ा है उनको कैसे ट्रीट करें, कैसे ट्रीट करेंगे। पहला क्या है, ठंडे पानी से कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट,
कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट कट सेट डिप इन कोल्ड वाटर 12 से 48 घंटे इसको डिप करेंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या है? हॉट वाटर ट्रीटमेंट में बावन सेंटीग्रेड 30 से 40 मिनट के लिए ट्रीटमेंट। यह है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सेट सेट डिप इन 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 से 40 मिनट के लिए डिप कर। केमिकल ट्रीटमेंट एक लाल और दूसरा क्या है? एरेटॉन 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 हो गया पचास लीटर पानी में ये इसको डिप कर देते हैं इग्लाल को और एरेटॉन को 200 ग्राम पर 50 लीटर पानी में इसको क्या करेंगे हम डिप कर देंगे। अदर ट्रीटमेंट में क्या है? दशमलव एक से 5% के MgSO4 12 से 48 hours ये डिप कर देते इतने घंटे के लिए। फर्टिलाइजर पचास परसेंट बेसल डोज मतलब कि जब हम बुआई करेंगे उस टाइम हम बेसल डोज के तौर पर हम ये 50% देंगे। और ट्वेंटी फाइव परसेंट थ्री मंथ आफ्टर डेज प्लांटिंग मतलब 3 महीने बाद 25% और दे देंगे। इसके बाद 25% भैया 6 महीने मतलब कि जब हम लगा रहे हैं उसके 6 महीने बाद हम 25% और दे देंगे। सिक्स मंथ डेज आफ्टर प्लांटिंग
ये दे देंगे। ये तो नाइट्रोजन की बात हो गई। अब बात करते हैं फास्फोरस की। ये हो अदर में, अदर ट्रीटमेंट में क्या हो गया कि एम एन ओ फोर और एम जी एस ओ फोर हैं 0.1 से 0.5% का सेट जो है 12 से 48 घंटे के लिए उसमें फास्फोरस की बात करेंगे हम। फास्फोरस कितना लगेगा? ये 80 से 100 केजी। केजी पोटाश सल्फर 20, जिंक 100 से 150 किलो, पोटास 100 से 150 किलो, सल्फर 15 से 20 किलो और जिंक फास्फेट ये क्या डालेंगे 10 के। 20 डेज आफ्टर प्लांटिंग क्या करेंगे? फर्स्ट इरिगेशन। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायर कितना होती है? 200 से 250। मोस्ट कॉमनली यूज हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स सीमाजीन एट्राजीन एलाक्लोर। ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा जो हर्बिसाइड यूज होती है सीमाजीन है, एट्राजीन है और एलाक्लोर। वंडरकाइन COC 671, CO 400 और वंडर कैन COC 671, CO 419 कमर्शियल वैरायटी क्या क्या हैं? कमर्शियल वैरायटीज कौन कौन सी हैं? COPANT 85004 पहली वैरायटी हो गई। छियासी जीरो बत्तीस 87263 63 ये कमर्शियल है। रॉट वैरायटी
टीज सी ओ 7704 7704 7717 86 86 10 8210। ये क्या है? रेड रॉड रेजिस्टेंस वैरायटी है। और क्या है? 86011 और अगली क्या है? 93011 फार्मेटी फेज। ये वंडर कैन है COC 671 और CO 419। ये कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए है। ये है CO 85004 और ये है 86032 और ये 87263 और यह है रेड रॉड जो रेजिस्टेंस वैरायटी है CO 7704 7717 8023 8610 8210 8611 और 93011। ये क्या है? वैरायटीज। ये क्या है? वैरायटीज हैं। ये वैरायटीज है हमारी। फॉर्मेटिव स्टेज कब है? 60 से 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग। मेजर डिजीज कौन सी है? मेजर डिजीज ऑफ शुगर केन कौन सी है? रेड रॉट। कलेक्ट्रोट्राइकम के द्वारा होती है। फरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट कॉमन मेथड। ऑफ इरिगेशन इन शुगर कैन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगर केन यूज केमिकल इन विच यूज केमिकल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल केमिकल राइपनिंग केमिकल इन शुगर कैन शुगर कैन। बाय यूज
रिस। फॉर्मेटिव स्टेज क्या है, इसकी फॉर्मेटिव स्टेज क्या है, 60 से 130 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। मेजर डिजीज़ क्या है, रेड रॉट इसकी डिजीज़ है, मेजर डिजीज़ है इसका। फायरो मेथड है वो इरिगेशन का, शुगर कैन का इज़ द बेस्ट मेथड, एंड जो आर्टिफिशियल है शुगर कैन को राइपनिंग के लिए उसके लिए यूज केमिकल पुलैरिस ग्लाइफोसिन 5 kg प्रति हेक्टेयर एट द मैच्योरिटी के लिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस चैनल्स वीडियोज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एसटी एकेडमी। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। जब तक आप लोग देखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।